उधर गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या के बाद राज्य के सभी अदालतों की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला ले लिया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं और जिसके मुताबिक अब कोई भी शख्स हथियार के साथ कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं हो पाएगा और गृह विभाग के आदेश को सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए। विभाग के आदेश के मुताबिक सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 552 कांस्टेबल और 1772 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए। इसके अलावा एक क्विक रिस्पांस टीम भी अदालत की सुरक्षा में तैनात रहेगी, जिसमें 60 सब इंस्पेक्टर, 112 हेड कांस्टेबल और 256 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। वहीं गृह विभाग के आदेश के बाद अब कोर्ट परिसर में कोई भी आदमी हथियार के साथ दाखिल नहीं हो पाएगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक 56 साल के आदमी ने अपनी 32 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस मीरा रोड के उस फ्लैट पर पहुंच गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया था और मौके से मनोज साने नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने फ्लैट से एक महिला का शव भी बरामद किया जिसके कई टुकड़े किए गए थे। बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था, तो एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज साने के फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने उन्हें जानकारी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे फ्लैट में एक महिला का शव मिला जिसको ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़े किए गए थे। आरोप है कि शव को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल हुआ। आरोप है कि मीरा रोड में अंजाम दिए गए इस घिनौने हत्याकांड में आरोपी मनोज साने ने शव के टुकड़े को कुकर में भी उबाला। पुलिस ने बताया कि उसे कुकर से शव के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें उबालने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए किया जिससे शव से बदबू ना आए और वो बाद में शव को ठिकाने लगा सके। पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या की वारदात को छिपाने के लिए आरोपी मनोज साने ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को एक एक कर खाना बनाने वाले कुकर में उबाला। पुलिस ने फ्लैट से शव के करीब 12 से 13 टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि वो महिला के सिर के भी टुकड़े कर उन्हें भी उबाल चुका था। कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे। फ्लैट से मिले शव के टुकड़ों को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है जिससे पता लगेगा कि वो किन हिस्सों को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने वारदात को करीब 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया। एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी की अगर माने तो सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं ने अमरनाथ यात्रा के काफिले पर पुलवामा जैसा आतंकी हमला दोहराने की साजिश रची है। पीओके में कुछ दिनों से लगातार आतंकी बैठक कर रहे हैं जिसमें यात्रा पर हमले के समय और तरीके पर बातचीत की जा रही है। पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप में हमला करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सूत्रों से एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कमांडो विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी इस ट्रेनिंग कैंप को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोमल फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गई है। कोमल, अमरनाथ यात्रा जब भी शुरू होने वाली होती है ऐसी खबरें हम हमेशा देखते हैं, इस बार क्या इंतजाम सुरक्षा के? देखिए, इस इनपुट के बाद इंटरनल जो मीटिंग हुई है सुरक्षा एजेंसियों की, सारी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे हैं और उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, अमरनाथ यात्रा का जो यात्री बेस कैंप से जब जत्था निकलेगा तो उस जत्थे के साथ कोई भी सिविल जो बाकी गाड़ियां हैं वो जत्थे के दौरान वहां से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि पुलवामा जैसे हमले की साजिश जो है वो पीओके में रची जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे भी हैं और इंटरनल लगातार बैठकें वो भी कर रही हैं कि किस तरीके से यात्रा को स्मूथ चलाना है। और जिस तरह से बात करें कि यात्रा की, तो हर साल जब यात्रा होती है तो ऐसे मंसूबों की शुरुआत भी हो जाती है पीओके में, लगातार ऐसी बैठकें वहां पर हो रही हैं कि कैसे इस हमले को अंजाम देना है। हालांकि ट्रेनिंग जो है वहां पर अलग तरह की लगातार चल रही है, लेकिन एक और बात यहां पर सामने आ रही है कि एक यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी है और वो इनके जो मंसूबे हैं वो पिछले 2 महीनों से चल रहे हैं। अलग तरह की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, वहां पर बैठकें लगातार हो रही है कि किस तरीके से वहां पर फिदाइन अटैक करना है, पुलवामा जैसा हमला करना है, लगातार इस तरह की जो इनपुट्स है वो मिल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां टोटल अलर्ट मोड पे हैं। एजेंसियां पूरी तरीके से इस खबर के बाद मुस्तैद हो गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।
और उधर पंजाब की मोगा पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 32 बोर की रिवॉल्वर, एक पिस्तौल और चार